ऐसा क्या होता है कि बिना एसएमपी सीजन 1 को करना पड़ता है हमको बैन। सो या स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत ही यार अच्छा चल रहा था, बिना एसएमपी के सभी मेंबर्स आ चुके थे, बिना एसएमपी स्टार्ट होने वाली थी, बट एसएमपी को स्टार्ट करते हैं, 15 मिनट तक कोई भी किसी को नहीं मारेगा, ठीक है, स्टार्ट द एसएमपी, चलो। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, राउंड डाउन नहीं किए, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए, वाह भाई। हां ये कौन सो रहा है यार बेटे, 15 मिनट के बाद तू मरेगा, रुक जा भाई 15 मिनट उधर। मेरी टीम में कौन कौन है ये बताओ, मेरे को क्या पता। अरे भाई ये मेरा मुड़े नहीं दे रहा आना, आना कौन कौन चाहता है मेरी टीम में ये बताओ। साइबर प्लेस भी मेरी टीम में, अब तो मरोगे सब लोग। यो 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 ओ साइबर यो, यो यो अरे एसएमपी स्टार्ट हो चुकी थी एंड मुझे स्टार्टिंग में विलेज भी मिल गया था। विलेज विलेज मिल चुका है किसको? मुझको और किसको? एफएम अभी जाकर देखना, खाने की कमी है, जादू करने दो, वेट मैं भी देखूंगा। अच्छा ठीक है ज्वाइन कर लो फिर जादू दिखाऊंगा। एंड दूसरी चीज के थोड़ी देर बाद मैं चला जाता हूँ अपना एक सीक्रेट बेस बनाने, बट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं थी, मुझे 2 दिन तक कुछ काम था इसलिए मैं सर्वर के अंदर नहीं जा पाया। एंड 2 दिन बाद अगर मैं सर्वर के अंदर जाता भी तो उधर क्या ही देखता। आप लोग सोचे होंगे कि मेरी टीम में इतने कुछ बिल्ड बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी डीसी मेंबर्स को पता था कि मैं 2 दिन तक सर्वर के अंदर नहीं आऊंगा, इसी बात का कुछ लोगों ने फायदा उठा लिया। वेल तब मैं सर्वर के अंदर नहीं जा पाया, लेकिन हाँ मैं डिस्कॉर्ड के अंदर चला गया। एंड फिर कुछ ये होता है, पूरे सिलेक्टेड मेंबर्स थे 12 एंड जिनको मैंने सेलेक्ट किया था वो पूरे पूरे 12 थे। एंड अभी मैं सर्वर के अंदर जाके देख रहा हूँ, 2-3 दिन से मैं ऑनलाइन नहीं आया, लेकिन अब मैं सर्वर के अंदर जाके देख रहा हूँ तो उसके अंदर 35 बंदे हैं। कैसे आए वो बंद सर्वर के अंदर ये बताओ। अरे मुझे क्या पता, मेरे मैंने तो किसी को भी नहीं दिया, क्या बोलते उसे? ये कर रहे हैं नाइट गेमर, ओबिटो, ये सब के साथ स्कैम कर रहे हैं। DM000 गेमिंग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बिना प्रूफ के तो इन पे एग्जाम कैसे लग सकता है। सोया कुछ लोगों को प्रूफ चाहिए एंड ये देखो प्रूफ। सोया ये स्क्रीनशॉट मेरा नहीं है, ये स्क्रीनशॉट है आइटकी गेमिंग का, इसने डीसी सर्वर पे ये स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया। एंड अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा तो जरा जूम करके देखो कि वो बंदा फ्लाई कर रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं थी यार, क्योंकि एक और प्रॉब्लम हमारे सामने थी। आप लोग ये देख सकते हो कि आइटकी गेमिंग के साइड में एक बंदा खड़ा है जिसका नेम है निज गेमर प्रो। एंड अगर आपने मेरी बिना एसएमपी की सिलेक्टेड मेंबर्स वाली लिस्ट देखी है तो उसमें कोई निज गेमर नाम का बंदा ही नहीं है। सो या इससे हमको ये पता चलता है कि ओबिटो और नाइट गेमर 97 दोनों मिलके आईपी लीक कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एंड बिना एसएमपी कुछ मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि बैन क्या सर्वर ही बैन कर रहे हैं, एक न्यू सर्वर स्टार्ट करेंगे बिना एसएमपी के नेम से। ये वीडियो तो गई यूट्यूब पे एंड ये लोग सब लोग गए, अब ये लोग हो जाएंगे बैन एंड इनको एसएमपी के अंदर नहीं मिलने वाला कभी भी अनबैन। नाइट गेमर को किक करेंगे, नाइट गेमर को किक करेंगे, ओबिटो को किक करेंगे एंड कौन कौन है पास समझ नहीं आ रही यार। ये लोग स्कैम कर रहे हैं यार बंदे, भाई कसम से। दो मुझे बताएं क्या लग रहा है कि ये सबके सब जितने भी लोग हैं ना, इन सबों ने फेक अकाउंट बना के अपने हार्ट ट्रिपल भाई बिल्कुल खतरनाक कर लिए। नहीं नहीं निज गेमर, एक निज गेमर ना, निज गेमर डिप्रो ने, निज गेमर अंडरस्कोर प्रो वो है खेलता था एसएमपी। हाँ निज गेमर तो 4-5 निज गेमर है, उसको लापता एसएमपी कम पड़ गई तो इधर आके खेलेगा भाई। उसके पास मैंने उसका आईडी चेक किया, मैंने उसका आईडी लॉगिन किया तो उसके पास ना 25 एक 30 हर्ट्ज था और एक्स्ट्रा 15 हर्ट्ज थे। सो या इसी की वजह से बिना एसएमपी को बैन करना पड़ा। एंड जो भी अभी सिलेक्टेड मेंबर्स हैं सो उनको ही मैं ये बताने वाला हूँ कि अगला बिना एसएमपी का सर्वर प्राइवेट सर्वर होने वाला है एंड इसमें ओनली व्हाइट लिस्टेड प्लेयर ही आ सकते हैं। तो या आप लोग चीटिंग कर लो जितनी भी करना है एंड जितने चाहते हो उतने हैक भी यूज कर लो, लेकिन इस एसएमपी में आपका कुछ भी नहीं होने वाला। सो यह वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड यार थैंक्स फॉर 2k सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आप लोगों के बिना मेरे ये 2k सब्सक्राइबर्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते। तो थैंक यू यार, दिल से थैंक यू।